उत्तराखंड में भारी बारिश से तस्वीर काफ़ी बदल गई है। जहां इस आफत की बारिश के चलते 50 लोगों की मौत हो गई तो वहीं कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। पिथौरागढ़ में पिछले 3 दिनों की बारिश से बीआरओ की तावाघाट सोबला, CPWD की चीन सीमा को जोड़ने वाली सोबला ढाकर सड़क कई जगहों पर बंद है। इस कारण स्थानीय लोगों के साथ ही पांचाचोली ग्लेशियर गए 80 पर्यटक भी फंस गए हैं। लोगों ने राहत बचाव के लिए हेलीकॉप्टर की मांग की है। सोबला ढाकर सड़क बंद होने से पांचाचोली ग्लेशियर गए दिल्ली, बिहार, मुंबई, कोलकाता, अरुणाचल प्रदेश, यूपी समेत अन्य राज्यों के 80 पर्यटक दुगतू और दांतू गांव में फंस गए हैं। कुछ पर्यटक अपनी बाइक और कार के साथ रास्ते में फंसे हैं। बुधवार को मौसम सही होने पर पर्यटकों और उनके परिजनों की बात वीसेट के जरिए कराई गई। वहीं दारमा घाटी के ग्राम चल के बुग्याल में अपने जानवरों के साथ गए 2 लोगों की बर्फ में दबकर मौत हो गई। 18 अक्टूबर को ग्राम चल निवासी शंकर सिंह पुत्र गोपाल सिंह और दीपक सिंह पुत्र करण सिंह जानवर चराने बुग्यालों में गए थे। उसी दौरान मौसम खराब होने के कारण भारी बर्फबारी शुरू हो गई। आसपास कोई सुरक्षित स्थान न होने के कारण दोनों भारी बर्फबारी में फंस गए और उनकी मौत हो गई। अन्य ग्रामीणों ने वीसेट से घटना की जानकारी परिजनों को दी। सूचना मिलने पर शंकर की बहू सरस्वती देवी और सामाजिक कार्यकर्ता सुखराज सिंह ने SDM AK शुक्ला को पत्र भेजकर क्षेत्र में बचाव दल भेजने की मांग की है। उन्होंने बताया कि मौसम सही होने पर ग्रामीण शवों को लेने घटनास्थल की ओर गए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।